हेलो एवरीवन। सो बीपीएससी की तरफ से एक नया अपडेट आया है और एक बार फिर से हमेशा की तरह बीपीएससी ने अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। बट यहाँ पे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, निराश नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है, बिकॉज़ ये हो तो होना ही था। अभी थोड़े टाइम पहले एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है बीपीएससी के, वो आए थे इंटरव्यू देने। उन्होंने बताया भी था कि इस बार क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, मोर देन 6.5 लाख से ज़्यादा फॉर्म जो है वो भरे जा चुके हैं, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला भी था कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना। बट दैट टाइम उन्होंने कुछ ऑफिशियली नहीं बोला था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करेंगे या नहीं करेंगे, बट ऑफकोर्स ये होना था। कुछ लोगों का ये मानना है कि ओमिक्रॉन की वजह से हुआ है, बट व्हाट आई बिलीव कि ओमिक्रॉन तो अभी उतना ज़्यादा नहीं फैला है और अभी बहुत टाइम है एग्ज़ाम में, 1.5 महीने के लगभग था 23 जनवरी के हिसाब से, तो इतनी जल्दी ओमिक्रॉन की वजह से पोस्टपोन नहीं हुआ है। दूसरा कुछ लोगों का मानना है कि पंचायत इलेक्शंस की वजह से, तो वो भी रीजन नहीं है, बिकॉज पंचायत इलेक्शंस की वजह से एक बार पोस्टपोन हो चुका है, बार बार नहीं होगा और वो ऑलमोस्ट अब खत्म होने की स्टेज पे है। सो क्योंकि इस बार 6.5 लाख से ज्यादा फॉर्म है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है बीपीएससी के सामने फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जाम को कंडक्ट कराना, एंड दैट्स वाई ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। इन माई ओपिनियन बीपीएससी ने इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया है, उन्होंने जस्ट इतना लिखा है दैट द एग्जाम हैज बीन पोस्टपोन ड्यू टू अननोन रीजंस, क्योंकि उन्होंने रीजंस यहाँ पे नहीं बताए हैं। एंड अगला एग्जाम कब होगा, जो इसका पोस्टपोन होने के बाद जो एग्जाम है वो कब होगा, उसका भी डेट उन्होंने अभी नहीं बताया है। सो इन माय ओपिनियन कम से कम 1 महीने का डिफरेंस तो है, 1 महीने के लिए पोस्टपोन तो ये हुआ है, बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ आएगा एग्जाम डेट के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। नाउ अब इस टाइम में आपको क्या करना है, इस टाइम में आपकी जो पढ़ाई की फ्लो है उसको नहीं तोड़ना है, बिकॉज यू नो कि अगर पढ़ाई के फ्लो टूट जाता है तो फिर उसको दोबारा से वापस आने में टाइम लगता है। सो लेट्स नॉट डू दैट, ऐसा नहीं हम करेंगे, बिकॉज जिसने पढ़ना है वो तो पढ़ ही रहा है और काफी टाइम से पढ़ रहा है और अभी भी पढ़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 23 जनवरी को पेपर हो या 23 फरवरी को हो, तो वो आज भी पढ़ रहा है और कल भी पढ़ेगा, ठीक है। सो प्लीज इस चीज के पीछे मत दौड़ो कि अब तो एग्जाम का कोई डेट नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। सो यू नो कि अगर नोटिफिकेशन है तो एग्जाम डेफिनेटली होगा ही होगा, और बीपीएससी पिछले काफी टाइम से, पिछले 1-1.5 साल से काफी अच्छे से काम कर रहा है। पोस्टपोन होने का रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि उनके ऊपर जो फॉर्म्स का नंबर है वो बहुत सारा, तो ऑफ कोर्स उनको भी फ्री एंड फेयर मैनर में एग्जाम कंडक्ट कराने में टाइम चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, इन्विजिलेटर चाहिए, बिकॉज 35 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम होता है, 38 में से 35 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम होता है, तो इतने बड़े स्केल पे एग्जाम कंडक्ट कराना इज अ बिग चैलेंज, और ऐसे आयोग के पास, ऐसे कमीशन के पास जिसके पास कभी इतने ज्यादा फॉर्म्स ना आए, ठीक है। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो चीज़ों को, अभी डिमोरलाइज होने का कोई मतलब नहीं है, 1-1.5 महीना ही ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टपोन होगा, एंड अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आई विल टेल यू। बाय बाय, टेक केयर।